नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करने के लिए। यही सपोर्ट आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी दे सकते हैं अकाउंट्स को फॉलो करके, साथ ही एक्सीडेंट की डिटेल्स वहां भी शेयर कर सकते हैं। सभी अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही पिक्चर्स हैं जो किसी भी कार की अच्छी या बुरी बिल्ड क्वालिटी दिखाती है, तो आप उसे ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पे शेयर जरूर करें एक्सीडेंट की पूरी डिटेल्स के साथ, और आप भी सेफर कार फॉर इंडिया मिशन का हिस्सा जरूर बने। मैं शिप पे होने के कारण आपको रेगुलर अपडेट्स नहीं दे पा रहा हूँ, पर आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। और आज हम बात करेंगे दो ऐसी कार्स की जो भले ही अलग सेगमेंट की हो, पर फिर भी इसमें से एक कार की बहुत बुरी बिल्ड क्वालिटी और दूसरी कार की बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो पहली कार है टाटा की तरफ से हैरियर और दूसरी है मारुति सुजुकी की तरफ से स्विफ्ट। और मुझे ये रिजल्ट देख के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती है, क्योंकि स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी का सच मैं पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ। और स्विफ्ट तो टाटा टियागो के सामने तक नहीं टिक पाती है बिल्ड क्वालिटी के मामले में, जिस एक्सीडेंट को हम पहले भी देख चुके हैं जहाँ स्विफ्ट का इंजन बाहर निकल के आ जाता है टक्कर होने के बाद और भारी डैमेजेस होती हैं स्विफ्ट में। यहां तो टियागो की जगह हैरियर थी। ये एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ केरला से, और चैनल पे मुझे दो व्यूअर्स ने इस एक्सीडेंट की पिक्चर भेज के एक्सीडेंट के डिटेल दिए थे। इसमें से पहला मेल मुझे 14 अक्टूबर को आया था, जहां उन्होंने अपना नाम नहीं बताने को कहा था। दूसरा मेल उज्जवल व्यास ने भेजा था और डिटेल्स बताई थी। यहां ये एक्सीडेंट देख के अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल नहीं है कि एक्सीडेंट काफी कम स्पीड पर हुआ होगा। और जैसा उज्जवल ने बताया, यहां स्विफ्ट में बैठे दो पैसेंजर्स को थोड़ी इंजरी भी आई थी। टक्कर होने के बाद कई लोगों की हैचबैक सेगमेंट में पहली पसंद स्विफ्ट की बहुत बुरी हालत हुई है। इन पिक्चर्स से आप क्लियरली देख सकते हैं स्लो स्पीड में टक्कर होने के बाद भी स्विफ्ट का फ्रंट बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है, और ऐसा लगता है कि कार का मेजर एक्सीडेंट हुआ है। बोनट पूरी तरह से मुड़ने के साथ साथ बम्पर हेडलाइट्स पूरी तरह से डैमेज है, साथ साथ साइड फेंडर भी मुड़ा है और रेडिएटर भी अंदर घुसा हुआ आप देख सकते हैं। और ये पिक्चर्स दिखा के आप किसी से भी पूछें कि दूसरी कार में कितनी डैमेज हुई होगी, तो वो यही कहेंगे कि दूसरी कार में भी काफ़ी डैमेजेस हुई होंगी, क्योंकि सिर्फ स्विफ्ट की पिक्चर्स देख के ये मेजर एक्सीडेंट दिखाई देता है। पर दूसरी तरफ एक और स्विफ्ट पैलेनो या ऑल्टो ना होकर टाटा की हैरियर थी, और यहाँ हैरियर का बम्पर बस हल्का सा मुड़ता है जो कि बड़े गौर से देखने में ही दिखाई देता है, और लेफ्ट साइड फेंडर में भी थोड़ी सी डैमेजेस देखी जा सकती हैं जो दूसरे एंगल से ली गए पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं। इसी कार से आप लेना ही क्यों चाहते हैं जो इतनी अनसेफ हैं? यहीं स्पीड अगर ज़्यादा रही होती तो पैसेंजर्स को मेजर इंजरीज भी हो सकती थी। ये कार्स को हम टिन का डब्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि अब मुझे लगता है कि शायद टिन के डब्बे भी इन कार से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। और ये एक्सीडेंट के साथ साथ ये बात हमें ग्लोबल एनकैप काफ़ी समय से समझाना चाह रहा है, पर हम मानने को तैयार ही नहीं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि 4 स्टार से कम की क्रैश टेस्ट वाली रेटिंग कार को आप ना लें। ये कार्स हाईली अनसेफ हैं, और ऐसी कार्स में एयरबैग्स भी कुछ ही हद तक अपना काम कर पाएंगे। ऑल्टो, रेडिको, क्विड, स्विफ्ट, बलेनो, सेंट्रो, ये सारी कार्स काफ़ी अनसेफ हैं और टिन का डब्बा भी कहलाने के लायक शायद नहीं है। मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि आप एक सेफ कार लें, चाहे वो कोई भी कंपनी बनाती हो, पर कोई भी अनसेफ कार ना लें। जैसे टाटा की नैनो, जो वैसे अब बंद हो चुकी है, उसे मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। और ये एक्सीडेंट्स आपको इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आप जागरूक बने, क्योंकि हमारी भारतीय जनता को ग्लोबल एनकैप टेस्ट का या तो पता नहीं है या उस पर भरोसा नहीं है। तो ऐसे एक्सीडेंट्स इन हल्की कार्स का सच हमारे सामने बखूबी लाते हैं। स्वदेशी अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि कोविड के टाइम पे भी इन्हीं कंपनीज ने आगे आगे भारत की जनता की मदद करी थी, और रतन टाटा सर को इस बात के लिए दिल से सल्यूट है। और अपने देश की ब्रांड की कार खरीद कर वोकल फॉर लोकल मिशन को भी हम एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे जो भी कार आप लें वो सेफ होनी चाहिए, और यही हमारा मिशन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सेफर कार फॉर इंडिया मिशन से जुड़े। चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।